सो हे एवरीवन, तो मेरा नाम है क्रिस और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी क्रिस पे। सो आ चुके एक और न्यू वीडियो में। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हो अपने किसी भी फ़ोन में। बेसिकली ये मोस्ट टारगेट रहेगा सपोर्टेड फ़ोन के लिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सोमी के फ़ोन का, पोको और रेडमी और एमआई के फ़ोन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो कस्टम रिकवरी, जो कि कस्टम रिकवरी में इंक्लूड हो जाएगा ऑरेंज फॉक्स, TWRP रिकवरी, पीच ब्लैक एंड पिक्सल ओएस, और काफ़ी ज़्यादा कस्टम रिकवरी अवेलेबल है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे विदाउट पीसी, ओके। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इंस्टॉल करने से पहले आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना जरूरी है। विदाउट बूट अनलॉक ये पॉसिबल नहीं है चीज़ की कस्टम रिकवरी इंस्टॉल हो जाए। तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर पिन कर दूंगा ऊपर में, तो वहाँ से आप पहले चेक कर सकते हो या फिर पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद आप वो वीडियो वॉच करके आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो और TWRP रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल करके अपने फ़ोन को रूट भी कर सकते हो उसके बाद, और उसमें कस्टम रोम डाल सकते हो और मॉड्यूल भी फ्लैश कर सकते हो जो भी है। तो उससे पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिना टाइम वेस्ट के लेट्स बिगिन द वीडियो। सो तो आ चुके अपने फ़ोन स्क्रीन पे और हमारे पास अभी Redmi 8A Dual मॉडल का फ़ोन, जो कि मतलब 5 या 6 साल पुराना है, जिसमें आज हम कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद एक रूट का भी वीडियो आएगा जो आप अगर वॉच करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिखा देना चाहता हूँ इस फ़ोन का। तो इस फ़ोन का नाम यहाँ पे देख सकते हो Redmi 8A Dual और MIUI वर्जन देख सकते हो 12.5.6, जो कि एंड्रॉयड 10 के बेस पे चल रहा है अभी, और रैम इसमें 2GB है और क्लॉक स्पीड 2.01 और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इस फ़ोन में, ओके। तो ये सब पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर कोई सा भी एंड्रॉयड वर्जन उससे मैटर नहीं करता, आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो कस्टम रिकवरी इस मेथड से। और ये बेसिकली सोमी का फ़ोन है, सोमी, रेडमी, पोको, एमआई, तो इसमें काफ़ी इजीली कर सकते हो, रियलमी में भी कर सकते हो। और कुछ अनसपोर्टेड फ़ोन होता है जिसमें आप मतलब आई थिंक नहीं कर सकते, जैसे वीवो ओप्पो का मैक्सिमम फ़ोन होता है जिसमें आप कस्टम रिकवरी या फिर बूट लोड अनलॉकिंग ये चीज़ नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन से पहले आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना होगा अपने फ़ोन में बिल्डर नंबर पे टैप करके। तो मैं यहाँ पे इनेबल कर चुका हूँ, और इससे पहले कस्टम रिकवरी से पहले यहाँ पे OEM अनलॉक होनी चाहिए, यानी बूट लोडर अनलॉक होनी चाहिए आपके फ़ोन का। अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं तो मैं वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो, ओके। और उससे पहले आप अगर चाहते हो अपने फ़ोन का बैकअप लेना तो ले सकते हो, किसी किसी केस में डेटा फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, बट यहाँ पे मैक्सिमम केस में नहीं हुआ है। मैं काफ़ी बार ये चीज़ को ट्राई कर चुका हूँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देना चाहता हूँ अभी कोई सा भी इसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं है। तो इसके लिए पावर प्लस वॉल्यूम आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक फ़ोन का बूट एनिमेशन जो अभी बूट लोगो है वो ना आ जाए, ओके। जैसे बूट लोगो आ जाए उसके बाद पावर बटन को छोड़ देना और वॉल्यूम आपको होल्ड करके रखना है, ओके। तो यहाँ पे होल्ड करके रखे भी देखते हैं अभी बूट होता है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेन मेन्यू में आ चुके हैं और रेडमी का रिकवरी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही है इसमें, कोई सा भी इसमें थर्ड पार्टी अभी तक मैंने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल नहीं किया है, इससे पहले किया था बट वो चीज़ मैं हटा के फिर से बता देना चाहता हूँ मतलब कैसे इंस्टॉल होता है, ओके। तो यहाँ पे बूट लोडर फ़ोन का अनलॉक है, अगर अनलॉक नहीं है तो पहले देख लेना वीडियो, उसके बाद कर सकते हो, ओके। तो इंस्टॉल से पहले आपको करना है यहाँ पे पावर प्लस वॉल्यूम डाउन, जो कि फास्ट बूट मोड के लिए। फास्ट बूट मोड में जाके हम इंस्टॉल कर सकते हैं कोई सा भी रिकवरी, तो वहाँ पे हम पहले बूट कर लेते हैं। तो फास्ट बूट के लिए पावर प्लस वॉल्यूम डाउन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है जब तक मतलब फास्ट बूट में बूट ना हो जाए, और ये हो सकता है 5 से 10 सेकंड लग सकता है, 15 सेकंड जो भी लगे, और ये फ़ोन का मतलब पावर बटन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो ये कंडीशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है, नहीं तो ये 5 सेकंड में मैक्सिमम बूट हो जाएगा फास्ट बूट में। और ये देख सकते हैं IQ का फ़ोन, जो कि मैं सेकेंडरी एज अ फ़ोन यूज करने वाला हूँ जिससे हम इसमें कस्टम रिकवरी फ्लैश करेंगे, ओके। एज अ मान लो PC जैसे यूज करेंगे इस फ़ोन को, तो उससे पहले आपको एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, OTG केबल आपको कोई सा भी लोकल शॉप पे मिल जाएगा यहाँ पे, जो अपने फ़ोन के चार्जिंग केबल मतलब पिन के अनुसार से ले लेना है, जो कि अगर मान लो USB-C टाइप है तो C टाइप OTG केबल ले लेना है, B टाइप है या फिर A टाइप, जो भी टाइप है उसके अनुसार आप ले सकते हो। और यहाँ पे आप डेटा केबल ले सकते हो जो आप फ़ोन चार्जिंग करते हो, तो मेरे में दोनों में C टाइप ओ चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो दोनों में मैं USB-C ले चुका हूँ, इसमें USB-C एक OTG केबल और एक चार्जिंग केबल, वो दोनों यूज करके मैं इसमें फ्लैश करूँगा, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ ये जो चार्जिंग वाला साइड होता है उस फ़ोन में लगाना है जिसमें आप रिकवरी फ्लैश करना चाहते हो, और ये साइड उसमें लगाना है जिससे आप रिकवरी फ्लैश करना चाहते हो। एज ए कंप्यूटर इस फ़ोन को यूज करेंगे तो इस साइड वाला इसमें लगाएंगे, उससे पहले आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वो डाउनलोड कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके लिए प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन ईजिली मिल जाएगा, अगर नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। इसका नाम है बगजिगर एप्लीकेशन, जो कि ADB मतलब इस तरह से एप्लीकेशन बिल्ड किया गया जिससे आप मतलब कस्टम रिकवरी या फिर बूट या फिर रोम भी फ्लैश कर सकते हो ईजिली इसमें साइड लोड मेथड से।
तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपर ने वर्क किया ये चीज़, तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है बगजिकर मोबाइल ADB USB OTG को, जो कि अप्रोक्स देख सकते हो 17 MB का है और ये काफ़ी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको करना है प्राइमरी फ़ोन में जाना है जिसमें आपको इंस्टॉल करना है, उसे आप पहले मतलब ये फ़ीचर को इनेबल करना होगा आपको, मैं भूल चुका था इस फीचर को। आपको डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे USB डिबगिंग को इनेबल करना होगा, उसके बाद आप फास्ट बूट मोड में फ़ोन को कर लेना। ओके, या फिर आप पहले तो वीडियो देख ही रहोगे तो पहले ये चीज़ को मेंटेन वो कर लेना, नोटिस कर लेना कि पहले आपको यहाँ पे USB डिबगिंग इनेबल कर लेना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल OEM या फिर बूट लोडर अनलॉकिंग रिक्वायर्ड तो है ही, और उसके बाद अगर चाहो तो यहाँ पे इंस्टॉल भी USB इनेबल कर सकते हो, बट यहाँ पे Xiaomi का अकाउंट मैं लॉगिन नहीं कर रखा तो यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर आपके केस में लेटेस्ट वाला कोई फ़ोन हो तो उसमें ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा बिना Xiaomi का अकाउंट के, यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा, बट ये फ़ोन में हो चुका था बूट लोडर अनलॉक, उसके बाद मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया कि ये फ़ोन मैं अब यूज नहीं कर रहा उतना, ये फ़ोन मतलब ऐसे रखा हुआ है तो इसमें अभी तक मतलब कोई रिकवरी नहीं है। तो फ़ोन को पावर ऑफ कर लेना है USB डिबगिंग इनेबल करने के बाद, और उसके बाद फास्ट बूट के लिए पावर प्लस वॉल्यूम डाउन कर लेना है, तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, फास्ट बूट में चला जाएगा। उसके बाद आपको प्राइमरी फ़ोन में मतलब सेकेंडरी फ़ोन में टेलीग्राम ओपन कर लेना है, जो कि आज ए कंप्यूटर में यूज करूँगा इस फ़ोन को। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना डिवाइस का नाम जिसमें आप कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करोगे, उसके लिए यहाँ पे कस्टम रिकवरी मतलब डाउनलोड करना है, तो मैं Redmi 8A Dual में इंस्टॉल करने वाला हूँ, जो कि देख सकते हो फास्ट बूट में भी फ़ोन रखा हुआ है, उसका नाम यहाँ पे Redmi 8A Dual है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अगर फ़ोन के लिए कस्टम रिकवरी कस्टम रोम या फिर जो भी अवेलेबल होगा तो यहाँ पे इजीली मिल जाएगा चैनल और टेलीग्राम पे, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कोई सा फ़ोन है आपके पास Redmi का, मान लो 8A Dual है, Redmi 8A Dual कस्टम रिकवरी करके आप सर्च कर सकते हो, या फिर Redmi 8A Dual TWRP रिकवरी, या फिर Redmi 8A Dual ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, इस तरीके से सर्च कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे हमारा मिल चुका है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सर्च करता हूँ रिकवरी फाइल या फिर कस्टम रिकवरी, तो मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि इस फ़ोन में TWRP रिकवरी आई थिंक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। मैं काफ़ी बार इससे पहले भी ट्राई किया था इसमें TWRP रिकवरी, जो कि वर्क नहीं कर रहा था, मतलब बूट लूप में अटक जा रहा था, तो मैं यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी डाउनलोड करूँगा। यहाँ पर अगर आपका रिकवरी इमेज फाइल में मतलब IMG लास्ट में लिखा हुआ है तो आप इजीली कर सकते हो ये चीज़, अगर जिप में है तो जिप में भी कर सकते हो, जिप में ये रहेगा कि अनजिप करके वहाँ से इमेज फाइल को निकालना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जिप वाला डाउनलोड करके दिखाता हूँ कैसे इसमें आपको निकालना है इमेज फाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक वेट करते हैं, और एंड्रॉयड वर्जन के अनुसार कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाला है जो एंड्रॉयड 11 के लिए, और नीचे वाला एंड्रॉयड 12 के लिए, तो मैं लेटेस्ट वाला ही कर रहा हूँ इसमें। तो आपको इसे ओपन करके यहाँ पे इमेज को फाइल को कॉपी कर लेना कोई सेपरेट फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट फोल्डर में इसे कॉपी कर चुका हूँ रेडमी मतलब रिकवरी इमेज को। उसके बाद फ्लैशिंग स्टेप पे चलते हैं, जो कि हमारा बगजिकर एप्लीकेशन भी सेकेंडरी फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, मतलब IQ वाले फ़ोन में जिससे हम फ्लैश करेंगे कस्टम रिकवरी, उसमें इंस्टॉल हो चुका है। तो ये वाला साइड है जो OTG साइड वाला, जो कि आपको इस फ़ोन में लगाना है जिससे आप कस्टम रिकवरी फ्लैश करोगे, और ये वाला जो चार्जिंग वाला साइड है उसमें लगाना है कि जिसमें आप कस्टम रिकवरी फ्लैश करना चाहते हो। ओके, तो मैं उसी में लगा देता हूँ अभी तक, ये चार्जिंग वाला साइड जिसमें मुझे फ्लैश करना, जिससे फ्लैश करना उसमें OTG वाला साइड। ओके, कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा या फिर नहीं भी आ सकता फर्स्ट टाइम, तो आपको मैनुअली ऐप ओपन करना है, तो आप यहाँ पे मिलोगे। ओके, तो यहाँ पे ऐड आ चुका है, तो वेट करते हैं। आप यहाँ पे मैनुअली को ओपन करोगे जिस जैसे ही एप्लीकेशन को, तो आप यहाँ मिलोगे, तो ऊपर से साइड करके थंडर वाले आइकन पे टैप कर देना है आपको, उसके बाद नीचे ब्लू वाला आइकन मिल जाएगा, इस पे टैप करना है। तो मैं ब्लू वाले आइकन पे टैप कर दूँ, यहाँ पे एक कमांड लिखना है आपको, फास्ट बूट, स्पेलिंग का ध्यान रखना है बिल्कुल, फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस, और उसके बाद रिकवरी स्पेस, उसके बाद ऊपर अटैच वाला आइकन मिल जाएगा, उस पर टैप कर देना है। आपने जहाँ भी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या TWRP रिकवरी का इमेज फाइल रखा है उस फोल्डर में जाकर उसे सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद प्ले वाले आइकन पे टैप कर देना। ओके, तो यहाँ पे सेंडिंग का वो आ रहा है, तो मतलब सेंड हो चुका है, और अगर मान लो आपके केस में नहीं हो रहा तो हो सकता है बूट लोडर अनलॉक ना हो या फिर ऐसा कुछ, तो ये सक्सेसफुली हो चुका है, ओके आ रहा है 0.54 सेकंड में, तो ये हो चुका है, तो मतलब फाइनली यहाँ पे कस्टम रिकवरी फ्लैश हो चुका है। अगर कोई एरर आता है तो आप मतलब डेटा केबल फिर से लगा के ये सब चीज़ चेक कर सकते हो, या फिर कनेक्शन बीच में ठीक है या नहीं, तो फाइनली मेरे में फ्लैश हो चुका है। तो उसके लिए मैं रिकवरी में बूट करता हूँ फ़ोन को,
बूट करने के लिए पावर प्लस वॉल्यूम अप बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, 5 से 10 सेकेंड भी 15 सेकेंड भी हो सकता है आपके केस में, तो फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे ही लोगो आ जाएगा उसके बाद आपको पावर वाला बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप को होल्ड करके रखना है कुछ देर के लिए। जैसे मैं वॉल्यूम अप को यहाँ पे होल्ड करके रखा हूँ, जब तक नहीं छोड़ना ये चीज़ कि जब तक आपका फ़ोन कस्टम रिकवरी में बूट ना हो जाए। जैसे मेरा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में बूट हो चुका तो उसके बाद छोड़ देना, ओके। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे मैजिक्स का एप्लीकेशन फ्लैश कर सकते हो, जिससे आपका जो बार बार कस्टम रिकवरी है जो डिलीट ना हो। कई कई फ़ोन में होता है कि आपने जैसे कस्टम रिकवरी फ्लैश कर दे उसके बाद रिबूट करेगा फ़ोन को, फिर से फ्लैश करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी क्योंकि ये डिलीट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे मैजिक्स का वो फ्लैश कर दोगे, मैजिक्स APK का, तो वो डिलीट नहीं होगी। और मैं रूट का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, हाउ टू रूट एंड्रॉयड फ़ोन, जो कि आप चाहते हो तो वॉच कर सकते हो वीडियो, उसका नेक्स्ट अपलोड हो जाएगा इसके बाद। तो ये फाइनली हमारा फ्लैश हो चुका है इसमें और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इसी तरीके से आप कोई से भी फ़ोन में ये चीज़ फ्लैश कर सकते हो, और हर फ़ोन का अलग अलग TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी मॉडल के अनुसार आता है ये चीज़। तो यहाँ पे मैं रिबूट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी डेटा फॉर्मेट नहीं हुआ है हमारे फ़ोन में, तो मैं यहाँ पे रिबूट टू सिस्टम कर दिया हूँ, अभी वेट करते हैं। और जैसे ही आप रिकवरी फ्लैश करोगे वो फर्स्ट बूट होएगा जो सिस्टम में, वो मतलब टाइम ले जाएगा, पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत ज़्यादा लेगा फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है आपको। तो ये हमारा रेडमी का लोगो आ चुका है और वेट करते हैं यहाँ पे जब तक बूट हो रहा है। तो आप अगर चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं लेटेस्ट वाला जो सा मतलब यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करता हूँ, या फिर एप्लीकेशन है इसमें, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दूँगा उसका लिंक, तो वहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपडेटेड भी रहोगे। जैसे मान लो कोई यहाँ पे चैनल में वीडियो अपलोड होने वाला है, फिर वीडियो अपलोड हुआ है तो वहाँ पे लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप अपडेटेड रहोगे। तो अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली बूट हो चुका है हमारा डिवाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।